एक यादव खानदान जिसकी निगाहें यूपी और दिल्ली दोनों पर रही। एक नौजवान जिसने यूपी और दिल्ली दोनों पर राज करने का सपना पाला था। यूपी में तो 3 बार राज किया लेकिन दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनते बनते रह गया। बात मुलायम सिंह यादव की हो रही है। उस रात मुलायम सिंह को 109 डिग्री बुखार था। केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह तुलजी मुलायम के पास एक खास संदेश लेकर पहुंचे थे। कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री के लिए तय कर लिया गया है, लेकिन मुलायम के वर्तमान समर्थक लालू प्रसाद यादव ने बाजी मार दी। लालू ने मुलायम से प्रधानमंत्री बनने पर आपत्ति जता दी। मुलायम सिंह यादव दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। दिल्ली की गद्दी तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन केंद्र में एक बार रक्षा मंत्री जरूर रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात जो बहुत खास है कि वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। मुलायम सिंह यादव अपने स्ट्रगल टाइम पर एक जीप से चलते थे और प्रचार करते करते जहां भी रात हो जाती थी वहीं के ढाबे पर सो जाते थे और सुबह वहीं से आगे प्रचार के लिए निकल जाते थे। मुलायम सिंह यादव इतने जमीनी नेता थे कि उनको अपने कार्यकर्ताओं के नाम और उनके परिवार के बारे में सारी जानकारियां हुआ करती थी। इटावा में सैफई का एक किसान परिवार जिसके लिए रोजी रोटी भी ढंग से चल जाए वही काफी था, लेकिन एक दिन वो यूपी का मुख्यमंत्री बन गया। मुलायम के पिताजी का नाम सुखद और माता का नाम मूर्ति देवी है। मुलायम सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की और जैन इंटर कॉलेज जो कि मैनपुरी के करहल में है वहाँ से बीटी की पढ़ाई की। इसके बाद करहल के इंटर कॉलेज में कुछ दिनों तक अंग्रेजी के मास्टर भी रहे हैं। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई हैं। पहली शादी मालती देवी के साथ हुई। मालती देवी के साथ शादी में रहते हुए ही मुलायम ने साधना गुप्ता से भी विवाह किया था। अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं। हम आपको मुलायम के परिवार में बिल्कुल नहीं उलझाएंगे, क्योंकि ये किस्सा तो गरीब किसान के बेटे धरती पुत्र मुलायम के संघर्ष का है। कहते हैं जब किस्मत का सिक्का चमकता है तो फकीर भी राजा बन जाता है, और मुलायम सिंह यादव की किस्मत तो उनका पता ढूंढते ढूंढते सैफई तक पहुंच गई। एक दिन मंच पर से कविता का पाठ हो रहा था और एक पुलिस वाले ने कवियों को कविता पढ़ने से रोका। उस दिन मुलायम सिंह यादव ने मंच पर उस पुलिस वाले को ही पटक दिया था। जसवंत नगर से विधायक और मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु नत्थू राम ने मुलायम को अखाड़े में भी देखा है। एक पहलवान धोबी पछाड़ दांव से अपने से 2 गुने उम्र के पहलवानों को चित्त कर रहा था। कुश्ती में इनाम मिल जाते थे लेकिन घर नहीं चलता था। 1965 में मुलायम करहल के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। मुलायम मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेते। नत्थू राम का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने मुलायम को जसवंत नगर से चुनाव लड़ा दिया। राजनीति की पहली ही फाइट में मुलायम ने अपने विरोधी लाखन सिंह को धूल चटा दी थी। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से पहली बार विधायकी का चुनाव जीते थे। मुलायम जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें घर परिवार से पूरा सपोर्ट था। रामगोपाल यादव अपने भाई के सारे कागजी कामकाज देख लेते थे और शिवपाल यादव अपने भाई की सुरक्षा और रैलियों के लिए एक स्कूटर से चला करते थे। जैसे अखिलेश यादव यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही 1967 में 28 साल की उम्र में मुलायम राज्य के सबसे छोटे एमएलए बने। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया। मुलायम ने 19 महीने इटावा की जेल में काटे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में चुनाव हुआ, मुलायम ने चुनाव लड़ा और जीते। लोगों ने खूब मजाक बनाया कि मुलायम सिंह को उनकी जाति के हिसाब से गाय भैंस वाला मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन खेती किसानी से जुड़े मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ सहकारी क्षेत्र और सहकारी बैंक में काम किया बल्कि वहीं से अपने परिवार के लिए राजनीति में नए रास्ते भी खोल दिए। मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री बनाए गए थे जिसमें पशुपालन, खेती से जुड़े कुछ काम और कोऑपरेटिव बैंकों के संचालन जैसे सभी काम आते थे। लोगों की हंसी की परवाह ना करते हुए भी
इसी मंत्रालय से उन्होंने अपने पूरे परिवार को सेट किया। शिवपाल को कोऑपरेटिव बैंक में पद दिलाया। फिर देखते ही देखते पूरा यादव खानदान कहीं न कहीं फिट हो गया था। मुलायम सिंह यादव के साथ उनका परिवार भी पीछे पीछे चलता गया। फिर एक दिन देश में वीपी सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव पर एक जानलेवा हमला हुआ। कहते हैं उस समय मुलायम सिंह यादव ने अपनी सूझबूझ से ना ही केवल अपनी जान बचाई बल्कि अपने साथियों को भी जान से बचाया। हुआ ऐसा था कि मुलायम अपने समर्थकों के साथ जीप में रात के वक्त एक बारात से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। कहते हैं कि मुलायम की जीप तक पलट गई थी। सूखे नाले में चिल्ल पुकार मच गई। मुलायम समझ गए कि क्या की साजिश रची गई है। मुलायम ने अपने साथ साथ दूसरों की जान बचाने की तुरंत एक योजना बनाई। मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि वो जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए। नेताजी को गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। और जब सूखे नाले में छिपे समर्थकों ने ठीक ऐसा ही करना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि मुलायम वाकई में मारे गए हैं, और अपने शिकार को मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां बरसानी बंद कर दी और वो लौट गए। हमले का आरोप सियासी विरोधी बलराम सिंह यादव पर लगा। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुके थे। और फिर दुश्मनों से बचाव के लिए अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह ने एक सियासी दाव खेला। मुलायम सिंह को सुरक्षा दिलाने के लिए चरण सिंह ने मुलायम को यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया। मुलायम सिंह यादव के इतने विरोधी हो गए थे कि उन्हें अपने बेटे अखिलेश यादव को पढ़ने के लिए यूपी से बाहर भेजना पड़ा। अखिलेश को यूपी से बाहर भेजकर मुलायम सिंह यादव बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। और फिर शुरू हुआ विरोधियों को एक एक करके सबक सिखाने का सिलसिला। 1987 में विदेश से पढ़ाई करके लौटे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच मतभेदों से लोक दल पार्टी टूट गई। मुलायम ने जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और यूपी की यात्रा पर निकल गए। जनता दल का गठन हुआ और मुलायम यूपी में जनता दल के अध्यक्ष बन गए। 1989 का चुनाव मुलायम के नेतृत्व में ही लड़ा गया और फिर 1989 को मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्नीस सौ 91 में मुलायम सिंह की सरकार गिर गई और बैसाखियों के सहारे चल रहे मुलायम सिंह को अब अपनी पार्टी की जरूरत महसूस हुई। 4 अक्टूबर 1992 में बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई और मायावती के गुरु काशीराम के साथ चुनाव लड़ने का मुलायम का ये दाव बिल्कुल सही बैठा और तब यूपी में आई सपा बसपा गठबंधन की समाजवादी सरकार। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ताजी गिराई गई थी। यूपी में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रही कल्याण सिंह सरकार गिरी और 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने काशीराम के साथ दलित वोटों का समझौता किया और काशीराम को इटावा से संसद भिजवाकर यूपी में सपा बसपा की मिलीजुली सरकार बनवा ली और फिर मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सीएम बने। और फिर क्या, यहीं से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत। नई सियासत का दौर तो जरूर शुरू हुआ लेकिन ये समझौता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। नतीजा था 1995 का मीराबाई गेस्ट हाउस कांड। मायावती के विधायकों को किडनैप करने की कोशिश की गई और कहते हैं कि मायावती के कपड़े तक फाड़े गए थे। और फिर शुरू हुई यूपी में एक नई सियासी दुश्मनी जिसमें भाषा की कोई मर्यादा ही नहीं रही। मायावती मुलायम से इतना नाराज हो गई कि उन्होंने पिछड़ों के बजाय सवर्ण हिंदुओं की राजनीति करने वाली बीजेपी की वाह थाम ली। नतीजा भी अनुकूल हुआ, मायावती सत्ता में आ गई और मुलायम सिंह के हाथों से यूपी की बागडोर छूट गई। लेकिन मुलायम ने कभी हार नहीं मानी थी। मायावती बीजेपी के समर्थन से 6-6 महीने की थ्योरी से यूपी में राज कर रही थी लेकिन 2003 में मुलायम और अमर की जोड़ी ने एक
बड़ी सियासी चाल चली। चाल ये कि केंद्र में रही अटल बिहारी सरकार को अपने विश्वास में लेकर और कुछ सियासी एहसान करके बीजेपी के बेहद करीब हो गई, और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने मायावती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह ने बीजेपी के प्रत्यक्ष सहयोग से 2003 से 2007 तक यूपी पर राज किया। तो ये थी समाजवादी पार्टी के सुल्तान मुलायम सिंह यादव की।